जिस दिन आकाश बेदाग होगा, चेहरा चांद का साफ होगा, जिस दिन आकाश बेदाग होगा, चेहरा चांद का साफ होगा, जिस दिन समय ने आंखें खोली, इंसाफ 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 होगा। ओम शांति। जिस दिन आकाश बेदाग होगा, चेहरा चांद का साफ होगा, जिस दिन समय ने आंखें खोली, इंसाफ 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 होगा। गर्दन पर है कर्ज लहू का, गर्दन देकर ही माफ होगा। इंसाफ 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 होगा। जिस दिन आकाश बेदाग होगा, चेहरा चांद का साफ होगा, इंसाफ 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 होगा। अव्यक्त मुरली, 10 मई 1972। कई ऐसे भी समझते हैं, कर्म कर लिया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई, लेकिन नहीं। कितनी भी कोई माफी ले लेवे, लेकिन जो कोई पाप कर्म वा व्यर्थ कर्म भी हुआ तो उसका निशान मिटता नहीं है। निशान पड़ ही जाता है, रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। इसलिए ऐसे भी नहीं कहना कि हो गया, माफी ले ली, इस रीति रसम को भी नहीं अपनाना। आप अपना कर्तव्य है, संकल्प में, वृत्ति में, स्मृति में भी कोई पाप का संकल्प ना आए, इसको ही कहा जाता है ब्राह्मण अर्थात पवित्र। अगर कोई भी अपवित्र वृत्ति स्मृति
वह संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित हो नहीं सकते, सिर्फ कहलाने मात्र हो। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो। बुद्ध ने अपनी फिलॉसफी को एक नाम दिया था, क्षणवाद। क्षण क्षण पर जो सावधान है, पग पग पर जो सावधान है, एक एक कदम जिसका फूक फूक कर है, क्षणवाद अर्थात प्रत्येक मूवमेंट, मूवमेंट टू मूवमेंट अवेयरनेस, प्रतिपल होश, प्रतिपल सजगता। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो। खुशी के साथ साथ शक्तियों को भी साथ रखना है। विशेषताओं के साथ अगर कमजोरी भी होती है तो एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। तो अपनी विशेषताओं को प्रत्यक्ष करने के लिए कमजोरी को समाप्त करो। सर्विस के बीच में अगर डिससर्विस हो जाती है तो डिससर्विस प्रत्यक्ष हो जाती है। कितना भी अमृत हो लेकिन विष की एक बूंद भी क्या, पढ़ने से सारा अमृत विष बन जाता है। कल की साकार मुरली, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। आज की साकार मुरली, जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीना है। पर ज्ञान अमृत पीते पीते अगर उसमें एक विष की बूंद पड़ गई तो क्या होगा। कितना भी सर्विस करो लेकिन एक छोटी सी गलती डिस सर्विस का कारण बन जाती है, सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए बहुत अटेंशन रखो अपने ऊपर और अपनी सर्विस के ऊपर। सारी मुरलियों का अगर एक शब्द निचोड़ है तो वो है सावधान, अटेंशन प्लीज, सजगता, वॉचफुलनेस, विजिलेंस, निरंतर जागृत रहना, निरंतर होश में रहना। क्योंकि बेहोश होते ही क्या क्या होता है, बेहोश होते ही पाप हो जाता है, गुनाह हो जाते हैं। तो आज से हम एक लघु शॉर्ट 7 दिन की सीरीज, 8 दिन की, धर्मराज का इंसाफ, ब्राह्मणों के गुनाह। एक मूल प्रश्न है कि व्यक्ति पाप क्यों करता है, क्या उत्तर है। एक ब्राह्मण, व्यक्तियों की छोड़ो, एक ब्राह्मण जिसके पास संपूर्ण ज्ञान है फिर भी उसके द्वारा गुनाह क्यों होते हैं। अटेंशन की कमी, पुराने संस्कार के वजह से, ईगो की वजह से, या सिंपल प्रश्न है पाप क्यों होते हैं, व्यक्ति पाप क्यों करता है। आदत है, पुराने संस्कार है, मजबूर होता है, उसको पता ही नहीं है कि नहीं, पता है उसे, उसे पता है खालीपन और पाप क्यों कर रहे हैं। अपने जीवन की ओर देखो, हम ब्राह्मण जब से बने, ब्राह्मण बनने के बाद हमसे कुछ ना कुछ सूक्ष्म पाप हुए हैं, वो क्यों हुए। स्वार्थ की वजह से, अलबेलेपन की वजह से, फुर्सत की वजह से, बोर्डम की वजह से, और उदासी है इसलिए, और कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, अधीनता है इसलिए, और पहचाना ही नहीं है, जानते हुए भी अनजाना सा है। हाँ, एकांत शब्द से अच्छा अकेलापन शब्द ज्यादा अच्छा है। अकेला, एकांत शब्द अध्यात्म ऊंचाई का शब्द है, पॉजिटिव, अकेलापन निगेटिव है। पाप के एनवायरनमेंट, संग दोष, अकेले है, खाली है। और सबसे पहला हमें ये तो पता है कि पाप करने से दुख होता है, पाप करने से दुख होता है, पुण्य करने से सुख मिलता है। फिर भी जब हम पाप कर रहे होते तब हमें ये बोध नहीं होता है कि मैं पाप कर रहा हूं। अर्थात हम जब भी पाप करते हैं उस समय ये विस्मृति रहती है कि ये पाप है, या फिर हम उसे पुण्य समझ कर करते हैं।
पाप समझ के कोई पाप करता है कभी? असंभव। उसको दुख प्राप्त करना है क्या? मनुष्यों की तो सारी खोज सुख की है, तो वो दुख के पीछे क्यों जाएगा? और उसे पता है पाप करने से दुख होता है, इसीलिए वो अपने पाप को पाप उस समय समझता नहीं है, इसलिए पाप करता है। वो उसे क्या समझता है उस समय? सुख समझता है, पुण्य समझता है, अपने पाप को पुण्य की दृष्टि से देखता है और फिर करता है। इसीलिए सुविधापूर्वक और आसानी से और लंबा समय कर पाता है। इसीलिए जीवन की क्रांति कृत्य की क्रांति नहीं है, वो क्रांति है बोध की क्रांति, अंडरस्टैंडिंग की क्रांति। यहां अंडरस्टैंडिंग लानी है। वो जो कर्म हो रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो कुछ बेहोशी में किया जाता है वो सब पाप है, और जो कुछ होश में किया जाता है वो सब पुण्य है। तो पुण्य और पाप की परिभाषा जो है वो बोध पर है, अंडरस्टैंडिंग पर है, समझ पर है, ना कि कर्म पर। कर्म छोटा सा उसका परिणाम मात्र है। अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं बदलती तब तक हर व्यक्ति जो पाप कर रहा है उसे पता है ये पाप है, मुझे नहीं करना चाहिए, बहुत दुख होता है इससे, फिर भी करता है। क्यों? क्योंकि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग यहां नहीं है। इसके लिए केवल कर्मों पर ध्यान नहीं देना है, केवल कर्मों को ठीक ठाक नहीं करते रहना है। कर्मों को ठीक ठाक करने से कुछ नहीं होता है। आज ये बंद कर दिया करना, कर दूसरा कुछ करेंगे। काम किसके ऊपर करना है? अंडरस्टैंडिंग पर। काम किसके ऊपर करना है? बोध पर। ये बोध की क्रांति है, अंडरस्टैंडिंग की क्रांति है। इस क्रांति को यहां लाना है तो अपने आप इधर का हट जाएगा। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, अब हम क्या करें? क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है कि मैं पापी हूं। हम ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, हर यही समझता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो पुण्य कर्म कर रहा हूं, और इसलिए हमें अपने पाप दिखा ही नहीं देते। तो ये जो लघु भट्टी है 7-8 दिन की, इसमें 2 नियम है केवल। पहला नियम अपने पाप में पुण्य, अपने पुण्य में पाप को ढूंढना। पहला नियम, अपनी दिनचर्या में पाप को ढूंढना, अपने ब्रह्मचर्य में कामवासना को ढूंढना, अपनी श्रीमत में मनमत को ढूंढना, अपनी आध्यात्मिक दोस्ती में, स्पिरिचुअल जो फ्रेंडशिप्स बना रखी है दूसरों के साथ, उसमें काम के अंश को ढूंढना। ये पहला लक्ष्य है इस भट्टी का। नहीं तो हमें अपने गुनाह का पता कैसे चलेगा? गुनाह का पता तब चलेगा जब दोष दृष्टि होगी। अभी हमारी दोष दृष्टि नहीं है, अभी हमारी दृष्टि है मैं श्रीमत पर हूं, मैं ब्राह्मण मर्यादाओं पर चलता हूं। अपनी मर्यादाओं में अमर्यादाओं को ढूंढना, अपने किए हुए पुण्यों में पाप को ढूंढना, अपने किए हुए में हुए सेवाओं में स्वार्थ को ढूंढना, मैं को ढूंढना। वो सेवा थी ही नहीं, वो केवल मैं का आभूषण था। अपने दिए हुए भाषणों में अहंकार को ढूंढना, वो अहंकार ही बोल रहा था, सेवा का भाव कम था वहां, वो मैं बोल रहा था, वो मैं अपनी सत्ता जमाना चाहता था, मैं भी कुछ हूं ये दिखाना चाहता था। तो इस भट्टी का पहला लक्ष्य है अपने गुनाहों की खोज, अपने पापों की खोज। जो चीज हमको लगती एकदम अच्छे से हुई है, अभी मैं 4 घंटा सेवा करके आया हूं, एकदम निस्वार्थ भाव से सेवा करके आया हूं, कोई उसमें दोष हो ही नहीं सकता, हमारी ये भावना रहती है, ऐसी सेवा करने के बाद उसमें पाप की खोज करना, कोई पुण्य कर्म करने के बाद पाप वाली दृष्टि उसमें लाना कि कहीं कोई पाप तो नहीं है इसमें। एक पैनी दृष्टि, एक तीखी दृष्टि, एक शार्प विजन से अपने कर्मों को स्कैन करना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर से ऊपर, अपने बोल को स्कैन करना, अपनी वृत्ति को, दृष्टि को, वो सारी 21 पॉइंट्स है सारी,
संबंध को, संपर्क को, हमारा किसी व्यक्ति के साथ संपर्क है, ये अ का संबंध ब से है, दोनों सोचते हैं हमारा कितना आध्यात्मिक संबंध है, हम दोनों साथ साथ कितनी अच्छी सेवाएं करते हैं, परंतु इस संबंध में पाप का बीज पनप रहा है कहीं ना कहीं, अटैचमेंट्स के अंश है, कीटाणु है उसमें मोह के, वो हमें दिखाई नहीं दे रहे और दिखाई दे भी नहीं सकते क्योंकि हम इस घेरे के अंदर है। ये तो दिखाई तब देंगे जब हम दूर से देखेंगे उसको और देवश दृष्टि से देखेंगे। तो पहला नियम है दोष दृष्टि, पहला नियम है अवगुणों को ढूंढना, पहला नियम है पाप को ढूंढना, पहला नियम है निगेटिविटी को ढूंढना, किसमें? पॉजिटिविटी में, दूसरों की नहीं, स्वयं के ऊपर काम करना है, दूसरों की पॉजिटिव, दूसरों के ऊपर, दूसरों से तो कुछ लेना देना ही नहीं है हमारा, यहां तो क्रांति ही स्वयं की क्रांति है, दूसरों से क्या मतलब, दूसरों का ना मुझे कुछ पता है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या करता है, कुछ पता नहीं है मुझे किसी के बारे में, मैं क्या करूं किसी के बारे में। जीन पॉल सार्त्र फ्रेंच फिलोसोफर है, वो लिखता है द अदर इज हेल, दूसरा नरक है, तुमको क्या करना है, तुम अपने काम से काम रखो, द अदर इज हेल। तो सबसे पहला नियम आज से, अब मेरा अमृत वेला आज कितना अच्छा हुआ, आज तो बहुत खुशी का अनुभव हुआ, ये संकल्प नहीं लाना है, क्या लाना है, इसमें दोष कहां था, झूठने झुटके कितने खाए, एक संकल्प क्या चल रहे थे, हम तो बहुत बाबा के आंखों आंसू आ गए आज तो सुबह सुबह, और दूसरों को हम बताते हमारा देखो कितना पक्का नियम है, सही में पक्का है, बिल्कुल नहीं है, 5 मिनट की तो गड़बड़ थी आज, थी कि नहीं थी, ज्यादा ही थी, उठने के बाद वापस सोने का संकल्प आया कि नहीं, आया कि नहीं, लगा ना थोड़ा सा सो जाऊं, इसकी तो कभी किसी के साथ शेयरिंग नहीं करते हम, कोई अपने अमृत वेले के अनुभव में ये बताते हैं आज बहुत अच्छा बाबा के साथ अनुभव हुआ, उसमें बाद 4 बार मुझे झुटके आए, कोई ऐसा बताता है, और फिर मैं जब सो रहा था दूसरा पीछे का भाई आके फिर उसने मुझे उठाया, ऐसा तो कभी कोई नहीं बताता। पहला नियम पाप में पुण्य में पाप को खोजना, पॉजिटिविटी में निगेटिविटी को सोचना, अपने योग में वियोग को खोजना, अपने ज्ञान में अहंकार को खोजना, अपने ज्ञान में अज्ञान कहाँ है छिपा हुआ, उस अज्ञान को खोजना। कल भी हमने कहा था कि अपने अज्ञान को जानना है और दूसरा अपने अज्ञान को स्वीकार करना है, ये 2 काम है, और उसके लिए कल 6-7-8 बातें कही थी। आत्मा अनुकंपा करनी है, स्वयं पर अनुकंपा, आत्मवार्ता, खुद से वार्ता करनी है, आत्म चिंतन करना है, आत्म अवलोकन करना है, आत्म और क्या बताया था कल, अनुशासन करना है, और क्या करना है, आत्मा सूत को श्रवण, आत्म श्रवण, आत्मवार्ता, आत्म श्रवण, आत्म अनुकंपा, आत्म चिंतन, आत्म मनन, सारा हमारे साथ ही खेल है हमारा, ये जब होगा तब ज्ञान की क्रांति होगी, नहीं तो हम अज्ञान में ही है। आज की मुरली अंधकार में है, वो जैसे बुद्धिहीन है, दुनिया के लोग अंधकार में है, वो क्या है, बुद्धिहीन, हम ही बुद्धिहीन है। अभी हमने स्वमान की सीरीज पूरी की 108 दिन की, अभी नए नए स्वमान हम लेंगे, मैं बुद्धिहीन हूं, मैं पाप आत्मा हूं, मैं विकारी आत्मा हूं, ये स्वमान लो और 1 घंटा बैठो, मैं विकारी आत्मा हूं, एकदम अहंकार विद्रोह करेगा, मैं और विकारी, मैं बंदर बुद्धि हूं, सबसे बड़ा बंदर इस दुनिया का मैं हूं, इस यज्ञ में महामूर्ख देखना हो तो मैं हूं, और महाज्ञानी देखने हैं तो सारे दूसरे हैं, ये स्वमान। अब स्वमान को थोड़ा चेंज करना है, 108 दिन अच्छे अच्छे स्वमान लिए, अब उससे अच्छे अच्छे स्वमान लेंगे, मैं डरफोक आत्मा हूं, बैठो इस स्वमान के साथ, 5 मिनट के बाद जब बैठने के बाद मन में आएगा मैं और डरफोक, एकदम अहंकार विद्रोह करेगा, बिल्कुल नहीं, मैं कैसे डरफोक हो सकता हूं, अब देखो क्रांति आती है,
क्रांति तब आती नहीं है, कोई कोई आकर हमको कहे कमलेश भाई आप एकदम योगी दिखाई देते हो, एकदम योगी दिखाई देते हो, क्या करते हो आप अमृत वेला, तब कोई परिवर्तन नहीं आता है। दस लोग आकर कहे रविनेश भाई क्या तू आपका एकदम मतलब रूहानियत से एकदम मैं प्रभावित हूं, क्या है ये आशीष भाई इतनी सेवा कैसे कर लेते हो, आप थकते नहीं हो क्या, कभी भी आ जाते हो आधी रात को भी, क्या है। इस सुनने से कोई क्रांति नहीं आती है। क्रांति कब आती है, क्रांति कब आती है, इतने साल से ज्ञान में हो तुम्हारे चेहरे पर कोई रूहानियत की कोई झलक नहीं दिखती है, क्या कारण है। ऐसा कोई कहा तो क्रांति आती है, तब रातों की नींद उड़ती है। इतने कब से हो ब्रह्मा कुमारी में, 20 साल से। अच्छा 20 साल में क्या किया तुमने, ये ज्ञान तो अच्छा है वैसे तो, मैं तो एक ही पहली बार सुना तो एकदम अंदर से मुझे कुछ कुछ होने लगा, तुम्हारे अंदर तो कोई परिवर्तन दिखता नहीं है, क्या कारण है ये, ऐसा कोई नया कह रहा है हमसे, तब क्रांति आती है। क्रांति के लिए चाहिए शॉक, झटके, निगेटिव कॉमेंट्स, तुम अच्छे, बहुत अच्छा क्लास, बहुत अच्छा योगी, हमारा तो एकदम बाबा से योगी जुड़ गए, योगी होगी 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 होगी। तो सबसे पहला नियम अपने गुणों में अवगुणों को ढूंढना, अपने पॉजिटिविटी में निगेटिविटी को ढूंढना, अपने ज्ञान में अज्ञान को ढूंढना, अपने ब्रह्मचर्य में काम वासना को ढूंढना, अपनी करुणा में क्रोध को ढूंढना, अपनी सेवाओं में स्वार्थ को ढूंढना, अपनी सेवाओं में मैं को ढूंढना, अपनी सेवाओं में अहंकार की खोज करना, क्योंकि हमारी सेवाएं अपनी सेवा है ही नहीं, वो अहंकार की सेवाएं चालू है। ये पहला नियम। और दूसरा नियम OMAD, वन मील अ डे, दिन में एक ही बार खाना, 8 दिन खाना, पीना बहुत बार, दिन भर पीते रहो, जूस पियो, फ्रूट जूसेस पियो, स्मूदी वगैरह वगैरह, पर मेन भोजन ओनली वंस दोपहर का, बाकी समय फल खा लो, जूस पी लो या कुछ और कर लो, सलाद खा लो, पर खाना एक ही बार, OMAD, वन मील अ डे। अंग्रेजी वाला दूसरा, ये दूसरा है अभी, वो भूल जाओ उसको, ये यहाँ दूसरा, ये दो ही नियम है, दोपहर का एक टाइम भोजन, दो सुबह जूस ले लो, फ्रूट ले लो, सलाद खा लो, अंकुरित खा लो, स्मूदी ले लो, या फिर शाम को कोई सूप ले लो, कोई जूस ले लो, कोई फ्रूट ले लो, अंकुरित ले लो, नारियल पानी ले लो, ओट्स ले लो, कुछ भी, पर भोजन मतलब कुक्ड फूड ओनली वंस अ डे, सॉलिड फूड कुछ भी कभी भी ले सकते हैं, सारा यहाँ का कंडीशनिंग है। ये करके देखो, जब तक हम ये खा लिया, इसको पचाने के लिए कितना टाइम लगता है, नए पुराने पैसेंजर उतरते हैं और नए पैसेंजर चढ़ते, इसलिए झगड़ा होता है, पूरे पैसेंजर उतर जाने दो और फिर नए पैसेंजर उतरे, बस ये दो ही नियम है भट्टी के। तो इंसाफ होगा, क्योंकि बाबा के महावाक्य है कि तुम ब्राह्मणों ने 63 जन्मों में जितने पाप विकर्म नहीं किए, वो उतने कब किए, ब्राह्मण बनने के बाद, क्योंकि ब्राह्मण बनने के बाद हिसाब का हिसाब कैसा, 1 का 100 गुना, उधर 1 का 1 गुना, पाप और पुण्य, अज्ञान में पाप किया 1 का 1 गुना, पुण्य किया 1 का 1 गुना, ज्ञान में आने के बाद 1 का 100 गुना, पुण्य किया, थोड़ा सा पुण्य किया, किसी की मदद कर दी, एकदम पुण्य मिलेगा, हमारे किसी शब्द से, हमारे किसी बोल से, हमारे किसी व्यवहार से, कोई आत्मा भटकते भटकते रुक गई, यज्ञ छोड़कर जा रही थी, हमको देखकर रुक गई कि ऐसी आत्माएं भी यहां पर है तपस्वी, वो कितना बड़ा पुण्य है। 1 का पुण्य का कितना मिलेगा, 100, और 1 पाप अगर किया उसका भी कितना मिलेगा, 100। अज्ञान में 1 का 1 गुना, ज्ञान में 1 का 100 गुना, दोनों पाप और पुण्य, ऐसा हिसाब है यहां पर। तो
हमें अपने गुनाह जो कुछ किए हैं वो सारे अगले 8 दिनों तक, अगले 8 दिनों तक एक एक दिन ये समझो अब तक के किए हुए पापों के प्रायश्चित का दिन है। आज पूरे दिन मुझे क्या करना है? पश्चाताप करना है, प्रायश्चित करना है। पश्चाताप प्रायश्चित की 10 विधियां हैं जो हम कल देखेंगे, जो शास्त्रों में लिखी गई है। 3 प्रकार के पातक होते हैं, महापातक, उसके बीच का एक पातक और एक सूक्ष्म पातक। शास्त्रों में ऐसे 3, महापाप, मध्यम पाप, सूक्ष्म पाप, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। परंतु हमसे पाप हुए हैं, हम अगर ये कहते रहे कि मैंने कोई पाप नहीं किया तो क्या होगा? कभी छूट ही नहीं पाएंगे। और पाप को यदि हम स्वीकार नहीं करते तो वो क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। बीमारी क्या होती जाएगी? नासूर होती जाएगी, गहरी होती जाएगी और उसकी आदत पड़ती जाएगी। पाप करना, पाप के लिए माफी मिल सकती है, पुनरुक्ति के लिए माफी नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, पाप के लिए माफी है पर पुनरुक्ति के लिए, रिपीटेशन के लिए, दोहराव के लिए माफी नहीं है। तुमने पाप कर लिया, ठीक है, माफ कर दिया, पर वही पाप कल फिर किया, अब उसके लिए माफी नहीं है। एक बार की हुई गलती दोबारा ना करना, यह है तीव्र पुरुषार्थ। एक पाप किया ना, बस एक ही बार रखो अब उसको। एक गलती की ना संबंध में, अब उसको एक ही बार रखो। पाप के लिए माफी है, पुनरुक्ति के लिए माफी नहीं है। यह एक सिद्धांत अपनी बुद्धि में फिट करके रख देना है। नेक्स्ट पॉइंट, पुण्य करने में तेजी करनी है, जल्द करनी है, जल्दी करो पुण्य। क्योंकि पुण्य में यदि लेट किया तो वो छूट रह जाएगा, होगा नहीं। क्योंकि यह भी समझना है कि मैं आत्मा ऊर्जा हूं और ऊर्जा का काम है बहना। एक छोटा सा बच्चा है, वो खिलौने से खेलता है, हम चाहते हैं वो खिलौने से ना खेले, उसका खिलौना हम छीन लेते तो वो क्या करेगा? हर चीज को खिलौना बना देगा। ये कंप्यूटर को खिलौना बनाएगा, उसको पूरा खोल के रख देगा, क्योंकि उसको खिलौना चाहिए, ऊर्जा बहती रहे। हमने पाप करना तो बंद कर दिया, परंतु अगर पुण्य का काम नहीं किया तो कोई दूसरा पाप करोगे। इसके लिए 2 काम एक साथ होने चाहिए, पाप स्टॉप हो, पुण्य बढ़े। और पुण्य अर्थात सुख देना दूसरों को, कोई भी आत्मा को सुख देना यह हमारा लक्ष्य हो। कोई भी आ जाए, हरेक को सुख देना है, पुण्य का स्टॉक जमा करना है। दादी क्या कहती थी कि मेरे पास पुण्य का स्टॉक इतना ज्यादा है कि कोई भी बीमारी हो जाती है अपने आप ठीक हो जाता है। इतने लोगों को सुख दिया है, इसके लिए यह नहीं समझो कि यह मेरे ड्यूटी का टाइम नहीं है। आप यू आर 24 आवर्स ऑन ड्यूटी, आधी रात को भी बुलाए, कभी भी बुलाए तो भी यू आर रेडी ऑन कॉल। संगम भवन वाले बाबा डायमंड हॉल में उठा रहे, संगम भवन वाले खड़े हो, एक भी हाजिर नहीं है। भगवान याद कर रहा है उनको जो सभा में ही नहीं है, और जो सभा में उनको याद नहीं कर रहा है, वो लगे है सेवा में उस समय। भगवान उनको याद करता है, भगवान उनको नहीं याद करता है जो आगे पीछे घूमते रहते। भगवान उनको याद करता है जो उसकी मत पर चल रहे, उसकी श्रीमत पर चल रहे, जो वो कर रहे हैं जो उसने कहा है, खाली उसकी महिमा कर रहे बैठ के। उससे थोड़ी ना वो खुश होता है, उससे थोड़ी ना वो राजी होता है। अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर किसी की मदद करना, वो कोई भी, वो ज्ञानी अज्ञानी का कोई सवाल ही नहीं है इसमें। किस तरह की सेवा है उसका भी कोई सवाल नहीं है। मुझे याद है एक बार हम गाड़ी से जा रहे थे, आ रहे थे तो एक भाई मिला, वो कोई ऐसा ही लड़का जा रहा था, वो कह रहा था प्लीज मुझे वहां तक छोड़ देना ना। हमने कहा छोड़ देते हैं चलो। तो हम उधर वहां से आ रहे थे बस स्टैंड की तरफ से, उसको जाना था दिलवाड़ा। तो उसने कहा मुझे ना वहां दिलवाड़ा तक छोड़ देना। उसने ये नहीं पूछा मुझसे कि मैं कहाँ जा रहा हूं। वहां से जा रहा था, मैंने कहा छोड़ दे। तो उसको छोड़ दिया और फिर हम वापस रिटर्न हो रहे, तो उसने पूछा कि आप आगे नहीं जा रहे हो? हमने कहा नहीं, हमको तो पीछे जाना है। बस इतना होगी, कॉन्वर्सेशन स्टॉप, उससे ज्यादा कुछ बात नहीं हुई। उसने कहा आपका नंबर दे देना, नंबर ले लिया। वो कोई ऐसे घूमने फिरने आया होगा यहाँ, और 1-2 साल के बाद मुझे कॉल आया ऐसे। उसने कहा आपको याद है आपने मुझे छोड़ा था? मैंने कहा मुझे याद नहीं।
तो वो फिर यहां से गया, फिर उसने कोई सेंटर ढूंढा, फिर कोर्स किया। कौन किसकी मदद करता है क्या दुनिया में? ये हमारे तो छोटा सा काम है, कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है ये तो कोई भी करेगा, हम रहे कोई रहे, आप होते और ज्यादा करते कुछ, कोई भी करता। बट उसके लिए बहुत बड़ी बात थी उस समय, क्योंकि वो थका हुआ था, कितना ट्रेवल करके आया था ट्रेन से कहीं से, फिर सरकारी बस से ऊपर पहुंचा था, और फिर उसको वहां जाना था, कोर्स किया और वो ज्ञान में चल पड़ा। कुमार है अभी भी कोर्स हमने थोड़ी ना कराया, कोर्स कराने वाले वहां बैठे। मदद करनी है आत्माओं की, हर एक की, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। तो क्या करना है? दो काम करने हैं, पाप खत्म और पुण्य बढ़ाना है। ऊर्जा है, हम ऊर्जा है, हमारा स्वभाव है बहना, और ऊर्जा तभी बहती रहेगी जब हम देते रहेंगे। हम पकड़ के रहेंगे ना तो वो रुक जाएगी, डबरा बन जाएगा, एक तालाब बन जाएगा। हमको नदी जैसे बहते रहना है, बहते रहना है, बहने अर्थात बहना, दादिया कहती ना, बहनों को बहने अर्थात बहना, योगी अर्थात बहता, तो बहते रहना है। तो ये दो नियम है, पहला तो अपने आप की सूक्ष्म परीक्षण करना है, भेद देना है खुद की दिनचर्या को कि कहां दोष है। 24 घंटे में 23 घंटे बहुत अच्छे जा रहे हैं, 1 घंटे में गड़बड़ चल रही है, अब उस पर काम करो। 10 मिनट गड़बड़ हो रहा है, उस पर काम करो। कहां पर वेस्ट हो रहा है टाइम, ऐसी दिनचर्या बनाओ कि 1 मिनट भी उसमें वेस्ट ना हो, 1 मिनट भी वेस्ट ना हो कहीं पर भी नहीं। ऐसे ही बैठ गए और बातें कर रहे, कुछ तो हो उसमें, थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा थोड़ा कर लिया खत्म, पर फटाफट अपनी दिनचर्या को, रोज अपनी दिनचर्या को अपडेट करते रहना है रोज, क्योंकि कल तो कुछ तो दोष था, आज मुझे उसको ठीक करना है। कल वो दोष ठीक कर दिया, कल एकदम से कुछ हो गया और टाइम वेस्ट कर दिया, कोई मिल गया और उसके साथ 10 मिनट इधर उधर की बातें करने में चला गया, वेस्ट हो गया ना टाइम। टुडे वो नहीं होगा, वो दिखा तो इधर से चले जाना, आज वो गलती नहीं होनी चाहिए, आज नई गलती होगी। फिर ठीक है माने, नई गलती के लिए माफी हो सकती है, पर पुरानी गलती दोबारा अगर की, उसके लिए माफी नहीं है। धर्मराज इंसाफ करेगा, कल की मुरली, बाप से प्रतिज्ञा करते हैं और फिर भूल जाते हैं, धर्मराज माफ नहीं करेगा, और बाप के साथ धर्मराज है। तो अगले 8 दिन हमें अपने गुनाहों पर फोकस करना है, कौन से गुनाह? जब से ब्राह्मण बने तब से आज तक के सारे, एक कल के दिन जो हुए वो सारे सारे के सारे, और उसको रिवाइज करना है, याद करना है क्यों हुए। और अपने लिए ऐसे नियम नहीं बनाने कि मैं आपसे नहीं करूंगा, पहले कारण ढूंढो, बोध को लाओ, कृत्य को बदलना नहीं, कल ये किया आज नहीं करूंगा ये नहीं, क्यों हुआ वो, उसके इन्वेस्टिगेशन करो, उसके रिसर्च करो, आत्म अनुसंधान करो कि ये पाप मुझसे हुआ, कौन सी अंडरस्टैंडिंग थी, कि मेरे में अंडरस्टैंडिंग थी कि मैंने ये देखा, ये टीवी देखा, मूवी देखी, सीरियल देखा, जो देखा, शायद मुझे लगता था ये ज्ञान से संबंधित है और ज्ञान में मुझे मदद करेगा, पर आज पता चल रहा है वो तो टाइम वेस्ट था, इसलिए उसको आज मैं रिजेक्ट करता हूं। कल मुझे लग रहा था इस व्यक्ति के साथ घूमने में मेरा टाइम सफल हो रहा है, पर आज अनुभव हो गया कि ये तो टाइम वेस्ट है, आज नया अंडरस्टैंडिंग आई है। तो अंडरस्टैंडिंग पर काम करना है, कृत्य पर काम नहीं करना है, कृत्य अपने आप होते जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग आ गई, जब पता चल गया, अब भोजन खा रहे, खाते समय पता चल गया इसमें जहर मिला हुआ है, कोई कान में आके बोल दे, गुलाब जामुन खाने ही वाले थे, वो कहता है इसमें जहर है ये नहीं खाना, दूसरे खाओ, उसको खाओगे क्या? नहीं, क्योंकि पाप हम जानबूझ के नहीं करते, पाप करते समय हमें ये बोध रहता है कि ये पुण्य है, इसलिए करते हैं उसको सुविधापूर्वक। अब उसी होश को बढ़ाना है कि ये पाप है, ये श्रीमत नहीं है, तो ही क्रांति होगी। शौक चाहिए एक, तो क्रांति होगी। तो दो नियम, OMAD, एक ही बार भोजन दोपहर का बस, अगर ले रहा है कोई फुल मील, बाकी सारे समय जूसेस जूसेस एकदम हल्का आहार, अल्पाहार, मिताहार कर दो, क्योंकि आहार अगर हेवी है तो पाप का बोध होता ही नहीं है, समझ ही नहीं आता है क्या हो रहा है, पाप है कि पुण्य, मन भारी रहता है हमेशा, पकड़ नहीं पाता है उसको। तो ये जो शरीर है इसके पीछे अब ज्यादा नहीं लगना है, शरीर से बाहर निकलना है थोड़ा। क्या तन मांझता रे, शरीर को कितना मांझते रहोगे,
कल कहा ना कीड़े कीड़े है इसके अंग अंग में, एक दिन माटी में मिल जाना, पवन चले उड़ जाना रे पगले, पवन चले उड़ जाना रे पगले, समय चूक पछताना, ए समय चूक पछताना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। ओम शांति। क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, पवन चले उड़ जाना रे पगले, पवन चले उड़ जाना रे पगले, समय चूक पछताना, हे समय चूक पछताना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। चार जना मिल गढ़ी बनाई, चढ़ा काठ की डोली, चार जना मिल गढ़ी बनाई, चढ़ा काठ की डोली, चारों तरफ से आग लगा दी, ए हो, चारों तरफ से आग लगा दी, फूंक दई रे जैसे होरी, हे फूंक दई रे जैसे होरी, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। हाड़ जले जैसे बन की लकड़िया, केस जले रे जैसे घासा, हे हाड़ जले जैसे बन की लकड़िया, केस जले जैसे घासा रे, हाड़ जले जैसे बन की लकड़िया, केस जले जैसे घासा, कंचन जैसी काया जल गई, ए हो, कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना ये पासा, हे कोई ना ये पासा, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। तेरी तेरी आरो वै तेरा दिना तेरा भाई, तीन दिना तेरी तेरी आरो वै तेरा दिना तेरा भाई, जन्म जन्म तेरी माता रो वै, जन्म जन्म तेरी माता रे रोवे, करके आस पराई, हे करके आस पराई, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। माटी ओढ़ना माटी बिछौना, माटी का सिरहाना, रे माटी ओढ़ना माटी बिछौना, माटी का सिरहाना रे, माटी ओढ़ना माटी बिछौना, माटी का सिरहाना, कहे कबीरा सुन ले रे बर्दे, कहे कबीरा सुन ले रे बंदे, ये जग आना जाना, हे ये जग आना जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना,
क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना।